आईटीएस गाजियाबाद की गाड़ी लगी हुई है। भोजन व्यवस्था निःशुल्क किया है आईटीएस गाजियाबाद, और निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि आपको आईटीएस गाजियाबाद से भी लोगों से मिलवाए। लेकिन और भी लोग हैं जहाँ खास तौर से यहाँ कोशिश है कि आखिर किन्हें क्या व्यवस्था कर पाया नहीं। आईटीएस गाजियाबाद के काफी बसे गाड़ी लगी हुई है और क्या कुछ व्यवस्था है। लाखों लोग यहाँ पर अभी भी हैं जिन्हें कहीं न कहीं जाना है, वो उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के काफी लोग हैं यहाँ पर। और ऐसे में क्या कुछ कर पाती, क्योंकि एनडीआरएफ टीम, सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस सारी टीमें यहाँ लगी हैं। इंडियन वेल्स ने भी खाने की व्यवस्था की है, लेकिन क्या कुछ उन्हें खाना मिल पाता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। जी हाँ, हम लगातार कोशिश कर रहा है मोबाइल 24। ये आईटीएस गाजियाबाद है, मोहन नगर वाले। हाँ जी, मोहन नगर। जी हाँ, कौन है? अर्पित, अर्पित साहब है, कौन है आपके आपके डायरेक्टर? जी हाँ, तो आप लोग क्या व्यवस्था किया आपने? घर से खाना भेज रखा है। अच्छा अच्छा, चेयरमैन साहब ने भेजा है आपका। जी हाँ, निश्चित तौर से आईटीएस गाजियाबाद के जो मोहन नगर में है, खास तौर से मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाता है, और वो भी चाह रहा है किसी न किसी प्रकार से इन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, और इसीलिए व्यवस्था है। कब से हैं आप लोग लगे हुए? हम हो गए 3 दिन हो गए यहाँ, तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से बांट रहे हैं, 1 घंटे से खाना बांट रहे हैं। इंडियन वाली व्यवस्था किया अभी खाने के लिए। और आपके साथ कितने लोग हैं? हम 3 आदमी। 3 लोग हैं, कौन कौन से हैं? ये भाई साहब हैं हमारे। अच्छा, ये भी हैं। और कल तो आप लोग रात दिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे। जी हाँ, बिल्कुल। और कब, कितने लोगों का आपने खाना खिलाया अभी तक? अभी तो ये मान लीजिए 1000 पैकेट कल बांटे। क्या क्या है उसमें? उसमें पूरी सब्जी और रोटी, वो है पानी है। यहाँ ये लोग, लेकिन समस्या है कि घर पहुंचना है, हजारों किलोमीटर है, और इसलिए ये लोग साफ साफ तौर से किसी न किसी भी तरीके से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। यह बड़ी समस्या है। दिल्ली पुलिस है, एनडीआरएफ है और सिविल डिफेंस